नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस छोट निवेशकों बड़ उपहार आरबीआई दुईट योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एककृत लोकपाल योजन सहज सरल सुरक्षित हेब निवेश चंडीगढ़ विश्वविद्यालय डिप्लोमेटिक कनक्लेव रे उद्बोधन देले केंद्र शिक्षामंत्री कहले भारत को ज्ञानर पेंठस्थली करिबा पई बौद्धिक क्षमतार आवश्यक भारत शिक्षा व्यवस्था को नूतन शिखर पहुंचाइबा को आमे बद्धपरिकर कनक्लेव रे सामिल होइतले 120 रु अधिक देश घाटी रे भारत को पूर्णी सफलता सेना गुली रे निपात हेले 3 हिजिबुल आतंकवादी सेना ऑपरेशन रे 36 घंटा भितरे 3 जन कुख्यात आतंकवादी निपात एमाने करुथले आत्मघाती हमला पाई योजना देशी टीका देखाइला दम प्रथम स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को पुणि एक विश्व स्वीकृति कोरोना विरोध रे टीका को अत्यधिक प्रभावी सह सुरक्षित कहला लैंसेट रिपोर्ट कांग्रेस टार्गेट रे हिंदू धर्म अविवाद्य पुस्तक लेखि विरोधर शिकार हेले वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बीजेपी पक्षरु जोरदार विक्षोभ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को बीजेपी टार्गेट हिंदू विषय में एबीसीडी न जानी लेखुछंती बही प्रेसमिट करी संबित कहले हिंदू को उपरे यहां कांग्रेस प्रहार यहां कराजिबनी कदापि बर्दाश्त देख संपूर्ण खबर साधारण निवेशक मानक रिजर्व बैंक पॉलिसी हला सहज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिन रिजर्व बैंक दुईट योजन शुभारंभ कर साधारण लोकों मिल पार अनेक फायदा यह योजनागुड़िक रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम यह योजना मध्यम सरकारी सिक्युरिटी खुचरा निवेशकों प्रवेश वृद्धि प्रयास करा सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी करा विभिन्न स्कीम रे लोकों सीधा निवेश को प्रोत्साहित करने आरबीआई तरफ एक रोडमैप प्रस्तुत करा कर देशर बैंकिंग नीति रे आसिला परिवर्तन साधारण ग्राहकों आरबीआई पदक्षेप छोट निवेशकों बड़ योजना लोकों सीधा निवेश को प्रोत्साहित करिबार रोडमैप प्रस्तुत साधारण ग्राहकों अभियोग दाखल सरलीकरण संपूर्ण ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स भित्तिक हेबो बैंकिंग सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिन रिजर्व बैंक दुईट एपरी योजनार शुभारंभ करती साधारण लोकों मिल पार बड़ फायदा यह योजना गुड़िक रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम एही योजना माध्यम रे सरकारी सिक्युरिटी रे खुचुरा निवेशकों प्रवेश वृद्धि पे प्रयास करा जिवो एहा अधीन रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी करा जायतिबा विभिन्न स्कीम रे साधारण लोकों सीधा निवेश को प्रोत्साहित करिबा पई एक रोड मैप प्रस्तुत हेबो एतिरे साधारण निवेशक माने अति सहज रे रिजर्व बैंक रो वेबसाइट रे एक ऑनलाइन अकाउंट खोली सरकारी सिक्युरिटी रे निवेश करि परिबे जहां द्वारा देशर साधारण लोक देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे निजर योगदान करिबा सहित निजे मध्य लाभवान होई परिबे बोली एही अवसर रे कहिसंती प्रधानमंत्री जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। यही योजना गुड़ी करे साधारण लोगों का निवेश को सहज करने सहित बैंक रे ग्राहक मान अभियोग समाधान प्रक्रिया को सरलीकरण करा जायछि ग्राहक मैंने गोटे पोर्टाल गोटे ईमेल और गोटे ठिकन अभियोग करेंगे यह माध्यम बैंक ग्राहक मैंने अभियोग और डॉक्यूमेंट दाखल करने सहित अभियोग ट्रैक रखिपारे और मेरा स्पष्ट मत है
कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। यही अवसर रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास का समेत केंद्र मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। 36 घंटा भितरे तीन जन कुख्यात आतंकवादी निपात। जम्मू काश्मीर आत्मघाती फिदाएं आतंकवादी उद्यम को विफल कर सुरक्षाकर्मी। गतकाल हिजिबुल मुजाहिदीन दुई जन आतंकवादी को एनकाउंटर करा बेले आज मुजाहिदीन गजवातुल हिंद्र जन कुख्यात आतंकवादी को एनकाउंटर। इन्हें जम्मू काश्मीर विभिन्न सीमावर्ती जिले में आत्मघाती आक्रमण योजना करुते एक आवासिक कॉलोनी में आतंकवादी लुचि रही जमापड़ा सुरक्षाकर्मी तरफ तलाशी अभियान चलता गुड़ विनिमय एनकाउंटर स्थान एक राइफल समेत अनेक मारणास्त्र जबत हो एनकाउंटर फल आगक एक बड़धरण आतंकवादी कार्यकलाप को एड़ाई दि जापारी। एनकाउंटर बाबद सूचना देखते जम्मू काश्मीर पुलिस अधिकारी। कल दोपहर में कुलगांव पुलिस को इतला मिली थी कि चबलपुरा विलेज है, कुलगांव टाउन के बगल में ही है, उसमें दो एचएम के टेररिस्ट छिपे हुए। तो आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया क्योंकि कुछ सिविलियंस में ट्रैप थे। तो हम लोग ऑपरेशन को रोके, पुलिस सिविलियन को विकेट किए, बाद में ऑपरेशन जारी हुआ क्योंकि कॉन्क्रीट बिल्डिंग था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो ऑपरेशन को रात में रोकना पड़ा। आज मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट में ऑपरेशन फिर से रिज्यूम हुआ। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक लेखी एवं अड़ुआ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन आईन मंत्री सलमान खुर्शीद पुस्तक माध्यम रे हिंदू धर्म को बदनाम करिवार प्रयास को चारिआड़े निंदा करा जाय छि। गतकाली सलमान के विरोध में मुकदमा रुजु होइतबा बेले आज देशर विभिन्न स्थान रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाय छि। मुंबई रे बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में सलमान का गिरफ्तारी करिछंती दावी करिछंती प्रदर्शनकारी। गत 10 तारीख दिन रिलीज होता सलमान खुर्शीद पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, एथिरे से हिंदुत्व को इस्लामिक आतंकवादी संस्था आईएसआईएस एवं बोको हराम सहित तुलना करिछंते। पुस्तक पृष्ठा नंबर 113 रे सफ्रन स्काय नामक एवं अध्याय लेखि महान हिंदू धर्म बाबद एपरी कुश्चारचना करिछंते। एहा कुने एबे से देशर बुद्धिजीवी समालोचनार शिकार होइछंते। गुलाम नबी आजाद के भली कांग्रेस संख्यालघु नेता मध्य सलमान का एपरी टिप्पणी को नापसंद करिछंते। देखिएगा जिस प्रकार से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का बयान उनके पुस्तक के द्वारा किताब के द्वारा सामने आया है, वह समस्त हिंदुओं का अपमान करने वाला वो बयान है। कांग्रेस की ओछी राजनीति का और उनका हिंदू समाज के बारे में उनका क्या मत है उसका परिचायक है। तो हम यहाँ पर घाटकोपर पुलिस थाने सलमान खुर्शीद जी के विरोध में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अयोध्या उपरे लिखित एक पुस्तक एवं विवाद घर में हिंदुत्व को नहीं लिखिता विभ्रांतिकर तथ्य पाई कांग्रेस उपरे बरसिछंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम इन व्हिच देयर विल बी अ पैनल डिस्कशन ऑन द बुक। 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है इसमें कोई नया विषय नहीं है।
सेबड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी बयान और सलमान खुर्शीदी विवादियों पुस्तक को नहीं कड़ा प्रतिक्रिया रखिंट राज्यसभा सांसद अनिल जैन से कहते जो मैंने हिंदू धर्म को ठीक भाव जाणी ना से टिप्पणी करुच्चर ए बी सी डी जाणी ना कहते अनिल जैन। देश की जो संस्कृति महापुरुषों में श्रद्धा और इस देश की जो थाती है उसको जो मानने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं और वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व इज्म इज ए क्लोज थॉट और हिंदुत्व इसलिए कोई इज्म नहीं हो सकता। हिंदुत्व हिंदूनेस है। हिंदुत्व की अंग्रेजी वर्ड अगर कोई आएगी तो हिंदूनेस आएगी, नॉट हिंदुइज्म। पहले ये बात क्लियर कर लो। कम्युनिज्म की तरह हिंदुइज्म नहीं हो सकता। इज्म इज ए क्लोज थॉट तो इज्म नहीं है। हिंदुत्व हिंदूनेस है और हिंदूनेस की सही व्याख्या 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने की है कि क्या है हिंदुत्व। अगर इस व्याख्या के साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हिंदुओं को गाली दी जाए, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी संस्कृति को नकारा जाए, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग कुछ भी लिख दें कुछ भी कर दें फिर भी देश उनको टॉलरेट करता रहे, उन पर निश्चित रूप से कोई ना कोई प्यूनिटिव एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस बात में कोई देशर समस्त योग्य लोकंको कोविड टीकाकरण में सामिल करबा पई एबे चलिछि हर घर दस्तक अभियान। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय ए उद्यम को व्यक्तिगत भाव में आज तदारख करिछंती प्रधान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मानफिय। आज लखनऊ निकटस्थ एक गाँव को जाई तदारख करिछंती केन्द्र मंत्री। सरोजी नगर ब्लॉक के नुकनूर गाँव में है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश स्वाति सिंह जी मेरे साथ है। हमने नुकनूर गांव में हर घर दस्तक कार्यक्रम में भाग लिया। गांव की हमारी बहन सविता जी ने टीका नहीं लिया था। हम उसके घर पे आए, उसके घर में दस्तक दिया और सविता जी को कहा कि आप भी टीका ले लीजिए और हमें गांव में सभी लोगों को टीका लगाना है। तो सविता जी ने आज हमारी अपील को मान दे के हमारी अपील को स्वीकार के देश में विगत 5 वर्ष मध्य 33% बढ़ी प्रतिरक्षा सामग्री रप्तानी। भारत एवं विश्वर 75 देश को जोगाऊ विभिन्न प्रतिरक्षा सामग्री ए बाबद आज सूचना देखते केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज निज संसदीय क्षेत्र लखनऊ गस्तर जाइंट प्रतिरक्षा मंत्री। यह अवसर से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निर्माणाधीन डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यर समीक्षा करते सहित पुंजनिवेश नवेशकारी सहित आलोचना करते रक्षा मंत्री। वर्तमान केन्द्र सरकार प्रतिरक्षा क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भरशील करने उद्यम कर इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है इन इंडस्ट्री के लिए कैसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सके। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और प्रथमे प्रेम विवाह पर हत्या दीर्घ 1 वर्ष परे प्रेमिकांका हाड़ और चुड़ी उधार। केन्दुझर टाउन थाना जुड़िया घाटी हाड़ और चुड़ी ठाब। नयाकोट थाना उपर कादकला गाँवर चक्रधर घणा नयाकोटर नवात डांगुआ को प्रेम बह करते हत्या कर हत्यार वर्षक पर जहाँ कह हाड़ और चुड़ी जबत हो। देशरे अर्थनीतिरे वर्तमान असाधारण अभिवृद्धि होछे। ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2021 अदानी ग्रुप्र अध्यक्ष गौतम अदानी। इतिहास कहुछि स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार सफल होइतबा देश माने युवक मानक द्वारा बहु उपकृत होइछन्ते।
वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न उन्नतिमूलक योजना द्वारा यह विकास संभव होइछि। जदियो यार फलक गोटे राति में दृश्यमान होना फल तथापि वर्तमान ठू 2050 मध्य विश्व में भारत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर अदानी ग्रुप अध्यक्ष। देशर अर्थनीति में वर्तमान असाधारण अभिवृद्धि होउछि। ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2021 आदानी ग्रुप्र अध्यक्ष गौतम आदानी से कहते 1996 मसीह जितेबाला देशर जनसंख्या 100 कोटी थिला, देशर अर्थनीति थिला 400 बिलियन डॉलर से बेठो द्रुत गति में बढ़ी चली जनसंख्या। इतिहास कहुची स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोजगार में सफल होता देश मैंने युवक मान द्वारा बहु उपकृत होती। वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न उन्नतिमूलक योजना द्वारा यह विकास संभव होती। जदियो यार फलक गोटे राति में दृश्यमान होना तथापि यह वर्तमान टू 2050 मध्य विश्व में भारत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर आदानी ग्रुप अध्यक्ष। आई कैन कॉन्फिडेंटली स्टेट दैट वी आर ऑन द कस्प ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड्स ऑफ ग्रोथ दैट एनी डेमोक्रेटिक नेशन has ever known. From this sort of youth bulge, if they succeed in socializing, health, education, and employment, this development are precisely what the current government has been accelerating through various national schemes it has launched. Although the result will not appear overnight, I believe that between today and 2050, India will build the greatest competitive demographic advantage any nation has ever had. Global warming bortoman biswa pai bada challenge huichi. Agami kichi dasandire ehaku niyantran ku aniba lagi houtuba prayas व्यावसायिक क्षेत्र में एक बड़ सुजोग आनी वर्तमान सुधा यार कौन तत्क्षण समाधान उपलब्ध ना। कोविड हूँ यार सद्य उदाहरण। प्यारिस विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत 2030 सुधा भारत तार प्रदूषण मात्रा यार जीडीपी 33-35% कम करवा यार अण जीवाश्म शक्ति 40% वृद्धि करने को प्रतिश्रुति आउ 9 वर्ष भितर आमको से लक्ष्य पूरण करने को अच्छी। सेपरे COP26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देइथिबा अनेक नुआ और उच्चभिलाषी प्रतिबद्धता पूरण करने को प्रयास कर भारत जहाँ सबू राजनैतिक एवं व्यावसायिक नेतृत्व बड़ चैलेंज हम। अहेड ऑफ COP26 द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो आई पॉइंटेड आउट दैट बिजनेसेस दैट एक्ट ऑन द अर्जेंट नीड टू लिमिट इंक्रीमेंटल ग्लोबल वार्मिंग will secure the largest opportunities over the next several decades. At COP21 in Paris, India promised that by 2030 it would curtail the emission intensity of its GDP by 33-35% and increase its share of non-fossil power capacity to 40%. We have beaten both targets. पूर्वर आम विद्युत आधारित व्यवसाय जमीक पोर्ट लॉजिस्टिक एयरपोर्ट एवं ट्रांसपोर्ट और डाटा सेंटर भली करी किंतु जलवायु परिवर्तन समस्त को व्यवसाय एक नुआ सुजोग सृष्टि परिवेश सृष्टि करिछि। वर्तमान शक्तिर प्रमुख उत्स है ग्रीन यूटिलिटी इनफ्रास्ट्रक्चर। एथिपाई आदानी ग्रुप आगुआ प्रयास आरंभ करिछि एवं जहां मध्यरे रहिछि ग्रीन पोर्ट्स ग्रीन एयरपोर्ट ग्रीन पावर एवं ग्रीन ट्रांसमिशन जहाँकि भारत अनेक आंतर्जातीय व्यवसाय लगी सुजोग आनी आगको डाटा सेंटर गुड़िक ही एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्री हम। द अदानी ग्रुप हैज हैड एन अर्ली स्टार्ट एंड अवर पोर्टफोलियो इंक्लूड्स इंक्रीजिंगली ग्रीन पोर्ट्स ग्रीन एयरपोर्ट्स ग्रीन पावर एंड ग्रीन ट्रांसमिशन। This put us in a position to become the partner of choice
for several international businesses that will look to India for green infrastructure to serve the Indian as well as international markets. And when it comes to the flow of data, it is inevitable that a massive data center infrastructure will become the largest energy consuming industry to ever exist. आकलन कराउछि 2025 सुधा विकसित विश्व रे जणे व्यक्ति 20 सेकंड रे डाटा सेंटर रो व्यवहार करिवो। आदानी ग्रुप डाटा सेंटर प्रतिष्ठा करी एथिरु लाभ उठाया पई प्रस्तुत रहिछि। सेपरि गत 30 मास भितरे आदानी सौर शक्ति क्षेत्र रे विश्वर सबुटो बडा कंपनी भाबे निजको प्रतिष्ठित करि परिछि। 2030 सुधा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे विश्वर बडा कंपनी हेबाकु आदानी प्रतिश्रुतिबद्ध। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जम्मू काश्मीर महिलामानक सशक्तिकरण दिगरे बड़ पदक्षेप सेमानक आईन सचेतनता पई जातीय महिला कमिशन तरफ करा जाइछि एक गुरुत्वपूर्ण उद्यम। आज तो होइछि आईन सचेतनता शिविर जहार नाम रहिछि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस। जम्मू काश्मीर पुलवामा जिले अनुष्ठित होइछि सचेतनता शिविर। एथिरे स्कूल शिक्षयित्री, आशाकर्मी, अंगनवाड़ी कर्मी एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करुथवा महिला माने बहु संख्यारे जोग देबार देखा जाइथिला। आम देशर संविधान एवं आईन कानून रे महिला मानंकु केउं सु अधिकार दिया जाइछि, किपरि से माने निजर अधिकार सब्यस्त करि परिबे से बाबत रे सचेतन करा जाइथिला। या सहित देश रे थिबा भरण पोषण आईन, घरोइ हिंसा, संपत्ति अधिकार उपरे आईनगत प्रशिक्षण पाइथिले उपत्यकार महिला। नुआ जातीय शिक्षा नीति 2020 समेत विभिन्न पदक्षेप द्वारा भारतर शिक्षा व्यवस्था को नूतन शिखर पहुंचाइबा पई भारत सरकार बद्धपरिकर। शुक्रवार नुआदिल्ली ठारे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डिप्लोमेटिक कनक्लेव रे जोगदे कहिसेंती केन्द्र शिक्षा, दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री उपलब्धि को उनको समझाने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में आज विश्व जिस स्थिति में है, हमें वैश्विक नागरिक बनाने की आवश्यकता होती है। विश्व की पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व की गरीब कल्याण, इसमें भारत की क्या मॉडल हो सकती है और शिक्षानुष्ठान और यूनिवर्सिटी उसकी सही स्थान होती है। इस प्रकार की डिलीवरेशन एक नया ग्लोबल ऑर्डर लाने में सफल होगा। लगातार बिगुड़ुछी दिल्ली रा वायु प्रदूषण जहां भी दिल्लीवासियों पर चिंतार कारण पलटुछे। एवं दिल्ली वायुर गुणवत्ता मान 600 टपिवा समस्या केते गंभीर ताहा सूचाऊ। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश रे जमीन में शस्य टुकड़ा अंश पोड़ा शीत समय रे दिल्ली वायु प्रदूषण को अधिक गंभीर करदेव। एवं दिल्ली में जो सब अंचल को गले मिलू से ही विष पवन एपरिक श्वासरुद्ध परी अवस्था आसीगलानी। दिल्ली एनसीआर गत किद वायु प्रदूषण पर भिजिबिलिटी पर यार प्रभाव पड़ी। पवन में धूआर मोटा चादर देखादे। कुतुब मीनार, लोटस टावर एवं अक्षरधाम मंदिर पाखे कम भिजिबिलिटी रेकर्ड कर। एक निश्चित दुर्घटन बर्तीगला ट्रेन कन्नौर बेंगलुरु एक्सप्रेस सातटी कोच लाइनच्युत हेले कई मृतात होता सूचना मिलने। एमती एक दुर्घटना घटी तमिलनाडु धर्मपुरी जिले में दक्षिण पश्चिम रेलवे एक एक्सप्रेस ट्रेन आज भोर सका 3:50 घाटी पहाड़िया रास्ता दे यात्रा करुवा बेले माड़ आसी विपद। हठात पहाड़ उपर खसवाक आरंभ कर बड़ बड़ पत्थर ट्रेन बगिरे बाजी लाइनच्युत होता सातटी कोच। ट्रेन में प्राय 2000 अधिक पैसेंजर यात्रा करुते भोर समय अधिकांश यात्री सोई रही थे। मात्र सौभाग्यवशतः कौन सी धनजीवन हानि होना ट्रैक सफा करलयात्रा स्वाभाविक करवस्था होमिलनाडुर विभिन्न उपकूलवर्ती जिले में लगातार वर्षा हो राज्य अन्य अंचल माटी और पहाड़ धसवा भी प्राकृतिक विपर्यय घटी सूचना मिली। देशी टीका देखाइला दम। प्रथम स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को पुणी एक विश्व स्वीकृति। कोरोना विरोध में टीका को अत्यधिक प्रभावी सह सुरक्षित कहला द लानसेंटर रिपोर्ट। लानसेंटर टाटा डाटा रिव्यू सारा दुनिया में आमर डाटा ट्रांसपेरेंसी प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाऊ। भारत बायोटेक मुख्य कृष्णा इल्ला यह कहते
लघुचाप जनित लगातार वर्षा पर तमिलनाडुर चेन्नई और अन्य अंचल जो अभावन बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है ए सामान्य सुधार आसी लघुचाप प्रभाव कम हो चेन्नईर रास्ताघाट आवासिक अंचल सामान्य दूर हो जलबंदी समस्या यहपर साधारण अवस्था को फेरी जनजीवन सेठे वर्तमान पानीपाग परिस्थिति जहाँ रही स्वाभाविक रही कि अधिकांश जगार धीरे धीरे बा स्वल्पर मध्यम धरणर वर्षा हो दुबई में अनुषित होगा एयर शो में अंशग्रहण करने भारतीय वायुसेना कंटिंजेंट तरफ प्रस्तुति आरंभ हो 2021 एयर शो में भारतीय वायुसेना तरफ सूर्य किरण सरांग तेजास आदि युद्ध विमान दुबई में प्रदर्शन करेंगे यह शो नवंबर 14 तारीख में आरंभ होगा जाए भारतीय वायुसेनार आक्रोबैटिक टीम दमदार प्रदर्शन देखा को नहीं चर्चा कर समय सरी पॉजिटिव भारत कई रखु मत विदाय दिंतु नमस्कार।